सुनो, चैन खोल के डाल देना। ठीक है, झुको। ये बात बहन के। आजकल हर कोई इंस्टाग्राम की माँ बहन करने में लगा है, और अब तो आंटियां भी इसमें कहाँ पीछे रहने वाली है। भाई ये क्या डांस है? अरे पहले लिरिक्स तो देखो, गम में सोए हैं, गम में जागे हैं, और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये तो गम में भंगड़ा पा रही है। अरे ओ दीदी, पहली बात तो ये डांस माना ही नहीं जाएगा। हाय दैया, मार डाला रे। और इस बहन जी की रील्स वायरल होने के बाद हर कोई भेड़ चाल चलने लग गया। अरे संध्या बिंदड़ी, आप ये किस लाइन में आ गई? अरे आपको तो आईपीएस ऑफिसर बनना था, आप कहाँ ये मुजरा करने में लग गई? नहीं। वाह क्या आवाज है। अरे कम से कम होड़ तो हिला लो भाई। आप मुंबई आ सकते हैं। 6 घंटे 12 घंटे काम करते है, वीडियो इंस्टाग्राम पर लोड करने को कौन। ठीक है समरिया। अरे तुमको जलन ही तो तुम अपनी मर्जी से चुल्ली भरी पानी में बुड़ के मर जाओ, किसके जिक्र में क्यों रहते है? मैं अपने काम करती तब वीडियो अलर्ट करती। और अब तो इंस्टाग्राम कोटा बनता जा रहा है, जहाँ पहले लोग कोटे पर जाकर मुजरा देखते थे, आजकल 239 का रिचार्ज करवा के मोबाइल पर ही देख लेते हैं। और फिर इन्हीं आंटियों के गलती से जरा सा धक्का लग जाए ना, तो पूरा देश सिर पर उठा लेंगी। रात को आता है सपने में भूत, और जलने वालों तुम्हारी माँ की। वाह बहन, साला हम लड़के होके भी ऐसी गाली नहीं दे सकते हैं, क्योंकि घर वालों ने देख लिया तो पिछवाड़ा सुझा देंगे। और एक ये है, अर्ज किया है, दिल्ली में बारिश होने से हो गई है ठंड, दिल्ली में बारिश होने से हो गई है ठंड, और कुछ लड़के होते हैं के। नहीं नहीं, इसके आगे का राइम तुम्हें मैं नहीं दिखाऊंगा, तुमने खुद ही गेस कर लिया होगा। ये अर्ज क्या है, अब तुम्हारी बातें चुपती है मुझे काट की बराबर, कि अब तुम्हारी बातें चुपती है मुझे काट की बराबर, और सुन पगले तेरा एटीट्यूड है ना मेरे दांत बराबर, हर बार गलत मतलब बंद निकाला करो यार तुम। और ये तो कुछ भी नहीं है भाई, लड़कियों और आंटियों को छोड़ो, यहाँ तो दादियाँ भी कम बकचोद नहीं है। आंटी जी। हाँ। मैंने सुना आपने सबकी शादी करवाई, मेरी भी करवा दो। कैसी बात कर दी, शकल देखी अपनी। वाह यहाँ तो आंटिया भी पंच मार रही है। बात करना हो तो करो, वरना गू खा के मारो। आग सूरज में होती है, जल्ला जमी का पड़ता है, मोहब्बत तो निगाहें करती है, तड़पना दिल का पड़ता है। अब ये किस तरह की शायरी है, अभी सुना रही है डरा रही है? जल्ला जमी का पड़ता है। रात में मेरी मम्मी पापा में बहुत भयंकर लड़ाई हुआ था, ये देखकर पूरे मोहल्ले वाले आ जाते हैं घर पर, तभी हम लोग जाकर बोलते हैं कि आप लोग अपने अपने घर चले जाइए, ये लोग अपने घर चले जाते। मेरी बहन पहले तो ये बता, मैंगो शेक बनाना सिखा रही है या फिर अपने घर का क्लेश सुना रही है? मेरी मम्मी बोलने लगती है कि अब हम नहीं रह पाएंगे इनके साथ, अब हम डिवोर्स चाहते हैं। बेंचो तो आप बात डिवोर्स पे आगे, और ये मैंगो शेक बना रही है। तभी मेरे पापा बोलते हैं ठीक है तुम चले जाओ, सारे गहने रख जाना। हाँ पापा लबर झंडू नहीं है। मेरी मम्मी सुबह उठकर अपने मायके चली जाती है, ये देखकर हम लोग बहुत रोने लगते हैं, तभी अचानक मेरी मम्मी आती है। अबे चली गई थी तो वापस ही क्यों आई? और मेरे पापा को बोलती है ठीक है आपसे कुछ गलती नहीं। अबे कम से कम रोज रोज की भसड से तो छुटकारा मिल जाता। तूने मुझे देखा एक दो बार। अरे एम मोदी, ये आप किस लाइन में आ गए? अरे ऑफिस जाओ, काम धंधे पर ध्यान दो, कुछ नहीं रखा ये छिछोरी पंक्तियों में। दिल है कि मानता नहीं। पहले तुम मुझे ये बताओ ये कौन सा दिल होता है? नजर के सामने जिगर के पास। और अब नहीं सहा जाता और अत्याचार। बारिश का महीना अब क्या कहना, माथे की पसीना अब क्या कहना। कहाँ से आते हैं? आप मुंबई आ सकते हैं। क्या दर्द है आंटी की आवाज में। गुलशन में गुल खिलते हैं, शहरों में जब मिलते हैं। क्या बोला भी? शहरों में जब मिलते हैं। नहीं गांव में क्या दिक्कत है, यहीं मिल लेते हैं। मैं और तू है। तू रहने दे बहन, गानों की माँ बहन मत कर। फूलों का तारों का सबका नैना है। ये क्या बात,
ये क्या बात करता है यार। और ये फूलों और तारों की आंखें कब से आ गई? फूलों का तारों का सबका नैना है, एक मेरी बहना सबका। देखो भाई, पहली बात तो ये गाना माना ही नहीं जाएगा। देखा था दिल मेरा पत्थर का जमाना था, वो दिल टूट गया। नहीं, तेरा तो टूटना ही चाहिए था। ये बिना पंख की मुर्गी लग रही है, जो उड़ना तो चाहती है लेकिन उड़ नहीं पा रही है। Always choose a person, always choose a person who gives you respect because respect is more important than love. ठीक है समरिया। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। तुम्हें वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।